हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों दमन, जी हाँ दोस्तों, दमन का ट्रेलर रिलीज होकर 4 दिन हो गए। और आपको बता दूं कि दमन मूवी को लेके अजय देवगन बोले तो बॉलीवुड के सिंघम और एक तरफ बॉलीवुड के कमांडो, जी हाँ दोस्तों विदित जमवाल, दो ऐसे हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं जो दमन के ट्रेलर को उन्होंने सपोर्ट किया और उस ट्रेलर का जो लिंक है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया था। लेकिन बाकी के एक्टर लोग सपोर्ट नहीं किए, अभी इसकी वजह मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों कि आखिर क्यों नहीं किए। तो दोस्तों इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं दोस्तों हमारे ऑटो वाले अंकल बोले तो अशोक सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक सर। आपको पता ही कि दमन मूवी जो कि 3 फरवरी को रिलीज हो रही है, इसका ट्रेलर आज 4 दिन हो गए। आपको बता दूं कि अजय देवगन ने इसका ट्रेलर को ट्वीट्स किया, विद्युत जमाल जिसको बोलते हैं हम लोग कमांडो, उन्होंने भी ट्वीट्स किया। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के सारे एक्टर अगर इस मूवी को सपोर्ट कर रहे थे तो हो सकता है ये मूवी और भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करती बॉक्स ऑफिस पे? आखिर क्या वजह थी जो ये दो एक्टर को छोड़ के बाकी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे? बात क्या है कि मूवी की रह गई बात, आज दो एक्टर आए हैं, कल और एक्टर आएंगे जी। अच्छी मूवी को जो है और जो तारीफें होती है ना वो एक दूसरे को बोल के होती हैं, ज़बरदस्ती करना बेकार है। इस मूवी को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, ये धीरे धीरे चलेगी और पब्लिक जो है देखेगी और हीरो लोग भी देखेंगे, फिर एक दूसरे को बोलेंगे कि मूवी सही है। जैसे कश्मीर द फाइल्स को बोले वैसे इसको भी बोलेंगे, जिस तरीके से कांतारा को भी कुछ। हाँ, तो यही बातें हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि क्या है मालूम है, ऊँचाइयाँ कोई चीज़ चढ़ता है ना तो उसको देखना किसी को गवारा नहीं होता है। तो ये मूवी को मतलब है कोई प्रमोशन की, कोई कहीं स्टेज पर जाने की ज़रूरत नहीं, ये स्टेज की मोहताज नहीं है, ये खुद ही जो है मतलब पब्लिक के अंदर दिल बना चुकी है और जगह बना चुकी है और ये चलेगी मूवी। क्या बात है। और आपको बता दो कि सोर्सेस से ये भी खबर आ रही है कि ये कपिल शर्मा शो में प्रमोट करने जाने वाले हैं। हाँ। और बिग बॉस में भी लगता है कि जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ये दो प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखो मैं तो एक ही में बात बोलूँगा, ये विशाल मौर्या की बात के ऊपर है, अगर वो जाए, अगर उनके पास पैसा है, अगर पैसा ले रहे हैं दे रहे हैं खर्चा करें करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी मूवी पहले से ही पब्लिक जान रही है जी। इसको कोई ये ज़रूरी नहीं है। और रह गया कि हम लोग भी देखे थे तो ये अच्छी बात है कि हिंदी में आ रही है तो प्रमोट करो, और भी अच्छी बात है, पब्लिक को पसंद होगी और भी देखेगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑटो वाले अंकल का ये रिएक्शन था, आप लोगों की क्या राय आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं और आप कितने सहमत हो हमारे ऑटो वाले अंकल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय महाराष्ट्र।